मेरे चैनल में आप लोग का फिर से स्वागत है। मैं आज कंदा की सब्जी बनाने जा रही हूँ। इसे गडेरी भी बोलते हैं। मैं कंदा को अच्छी तरह से छील लूँगी। उसका मुंडी काट के अलग मैं रख रही हूँ, उसे सब्जी में नहीं डालेंगे, वो अच्छे तरीके से गलता नहीं है। इसी तरह से कंदा का छिलका निकाल लेंगे। देखिए मैं छील के रखी हूँ और मुंडी को फेंक दे रही हूँ। मैं दो ठो छील के रखी हूँ। अब उसे मोटे मोटे टुकड़ों में काटूंगी। देखिए कितना मोटा मोटा काट रहे हूँ। देखिए उसी तरह से मैं सारे कांदा को काट के रखी हूँ। देखिए कितना मोटा मोटा है। कढ़ाई मेरा गरम हो गया है, उसमें सरसों का तेल डाल रहे हैं। तेल गरम हो गया है, उसमें मेथी दाना डाल रही हूँ और मेथी चटकने के बाद उसमें कांदा सब्जी को डालेंगे। मेथी मेरा चटक गया है, अब उसमें डाल रही हूँ उसे अच्छी तरह से मिला लेंगे। अब इसमें हल्दी पाउडर, और स्वाद के अनुसार नमक, अब अच्छे से मिलाएंगे और थोड़ा सा भुनेंगे भी। देखिए भुन गया है। अब उसमें मैं लहसुन का पेस्ट डाल रही हूँ, अदरक नहीं है इसमें, खाली लहसुन का पेस्ट है, और थोड़ा सा काली मिर्च का पाउडर और जीरा पाउडर और लाल मिर्च पाउडर। अब उसमें कोई मसाला नहीं देंगे, खाली जीरा पाउडर और काली मिर्च पाउडर और लाल मिर्च पाउडर और लहसुन का पेस्ट, और सारे मसाले को भुनेंगे।
पानी नहीं देंगे इसमें। देखिए सब्जी मेरा भुन रहा है, थोड़ा सा और भुनेंगे। अब सब्जी भुन गया है, अब उसमें पानी डालेंगे। सब्जी डूबने इतना पानी डालेंगे, अच्छे से चला के उसको ढक देंगे। और थोड़े देर के बाद उसे खोल के फिर से चेक करेंगे। सब्जी अभी गला भी नहीं है, फिर से उसे ढक देंगे। अभी फिर से उसे चेक करते हैं। देखिए सब्जी थोड़ा थोड़ा गल गया है। अब उसमें मैं दो ठो टमाटर काट के रखे हूँ, उसको डाल रही हूँ। अब उसे मिला के फिर से ढक देंगे ताकि टमाटर और सब्जी अच्छे से गले। फिर से उसे चेक करते हैं। देखिए टमाटर गल गया है सब्जी, और थोड़ा सा गलेगा कंदा का सब्जी। अब उसे ढक देंगे। अब उसे चेक करते हैं। सब्जी देखिए गल गया है। ये सब्जी घर में आप ज़रूर बनाइए, खाइए, और अच्छा लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। बनके रेडी हो गया है, अब उसे चावल या रोटी के साथ खा सकते हैं। ये सब्जी खाने में बहुत ही अच्छा लगता है। देखिए कितना अच्छा बन गया है कंदा का सब्जी।